सदाशिव लिंगाकार रूप धारण करते हैं। शंख चक्र पद्म गदाधारी विष्णु, तुम्हें तप करना है। तप करो, तप करो, तप ही तुम्हारा एकमात्र कर्म है। तप ही तुम्हारे लिए सर्वोच्च धर्म है। तप में लीन विष्णु के संपूर्ण शरीर से जल धाराएं फूट पड़ी। ये ब्रह्म जल था। धीरे धीरे विष्णु के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म जल शून्य के महासागर में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात सदाशिव ने विष्णुदेव को आदेश दिया, अब तुम इस ब्रह्म जल में शयन करो तथा उत्पत्ति के आधार बनो। ब्रह्म जल में शयन के पश्चात विष्णुदेव की नाभि से कमल प्रकट हुआ। सदाशिव ने अपने ज्योतिर्मय लिंग स्तंभ के दाहिनी ओर ब्रह्मा को प्रकट किया तथा उन्हें विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर आसीन कर दिया। उनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, ये जानने के लिए वे जिस कमल पर खड़े थे उसी की आधारभूत कमलनाल में अपने जन्मदाता का अन्वेषण करने के लिए प्रवेश कर गए। परंतु उनकी आशा पूर्ण नहीं होती, पुनः कमलासन पर लौट आते हैं। आप कौन हैं? मैं हूं प्रथम पुरुष विष्णु, तुम्हारा जन्मदाता। नहीं, तुम मेरे जन्मदाता नहीं हो सकते। मेरा जन्मदाता कोई अन्य है। उस अन्य को तुम देख नहीं सकते, जिसे तुम देख सकते हो वो मैं हूं। मैं हूं तुम्हारा जन्मदाता। तुम मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। नहीं, यह सत्य नहीं है। तुम दोनों का विवाद निरर्थक है। ब्रह्मदेव तथा विष्णुदेव का जन्म मुझ ज्योति स्वरूप सदाशिव से हुआ है, अर्थात तुम दोनों का जन्मदाता मैं हूं। अ उ म ब्रह्म रूप ओम ही मेरा मूल स्वरूप है। इसी ओम में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। बिंदु एवं नाद रूप में निर्गुण तथा प्रणव रूप में मैं सगुण हो जाता हूं। मुझ सदाशिव को प्राप्त करने का एकमात्र साधन ओम ही है। संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान मुझ प्रणव रूप में ही समाहित है। यही ओम मेरा सनातन प्रतीक है। ब्रह्मदेव, अब तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। जो आज्ञा सदाशिव। विष्णुदेव, ब्रह्मदेव द्वारा रचित सृष्टि का तुम्हें पालन करना है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है सदाशिव। सृष्टि रचना के कार्य में सर्वप्रथम 24 तत्वों से युक्त हिरण्यवर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ। भगवान विष्णु उसमें समाहित होकर सर्वत्र व्याप्त हो गए। ऊपर आकाश बना, नीचे का भाग जल तथा पृथ्वी बने।